पिछले के पिछले बार। सो ऑलराइट गाइस, समय हो रहा है 9:21 PM 28°C। मैं बैग को आगे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो है जानवी आज साड़ी पहनी है और मैं आज बुलेट से आया हूँ और इसमें साड़ी गार्ड वगैरह है नहीं, पता नहीं कैसे बैठेंगी वो, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। आप बताइए सर। देखिए दुर्गा जी का भक्त का क्या हुआ सर, ये हाथ पे पेट पे ये सब मिट्टी रख कर जौ आता है ना, जौ उगा दिया नहीं, ये उठेगा 9 दिन तक ऐसा ही रहेगा। हाँ, हम लोग के तरफ ऐसा होता है, हमारे तरफ भी होता है ना, हमारे तरफ का ही है। इसको बोला जाता है कलश रखते हैं, कलश भी 9-9 कलश रखा है। कैसे मतलब अद्भुत सब कलाकार हैं। भाई को लड़की हुआ थी। किनको? मेरा भाई था ना राय, वो नहीं था मेरा भाई टीक वाले। हाँ, उसको कल ही आज रात में हुआ था। क्या बात है, लेकिन दुर्गा माँ का भक्त लोग अद्भुत है। चलो सर, और सब कैसा चल रहा है? बुलेट चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, बट द थिंग इज कि इनको बैठने में मज़ा आएगा या नहीं। बैठ पाओगी क्या? बैठ पाओगी क्या? एक्चुअली नहीं, ये चलो बैठो। चालू नहीं हो रहा था क्या? चालू हो रहा था। पैर कहाँ रखोगे? बाप रे, एक्चुअली लड़की को बिठाना और वो भी लड़की जो साड़ी में है, इट्स nobody sits badly, but this is also a great task and a good task. तो राइडर को जो है ये भी आना चाहिए टास्क। मतलब हाँ, इट्स अ टास्क फॉर मी। बुलेट चला के मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इतने दिनों के बाद। जानवी, आपको कैसा लग रहा है बुलेट पर बैठ के इतने दिन के बाद? सी, इसको दोनों तरफ से अच्छा लगता है। और ये बहुत बड़ी सी बस आई और ये बहुत छोटी सी आंटी है। तुम मत रखना पैर नीचे, मुझे लगा था कि जानवी आज पैदल ही जाएंगी। नो, यू डू डांडिया। बाय, बिकॉज दिस इज हेवी ना, दिस बैग इज बिग, दिस बैग इज क्वाइट हैवी, दैट्स व्हाई। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इनको दोनों तरफ से पसंद है बैठना। मैं बोल रहा था कि इनको दोनों तरफ से बैठना पसंद है, मतलब दोनों तरफ से पसंद है बैठना।
So alright guys, I hope you are liking, you know, after quite a lot of days. So you are enjoying this home workstation to home. And मैं थोड़ा सा confused हूँ कि मतलब इसको रखना, मैं जैसे सामने वाले का चमकता हुआ क्रोम देख के हमारे अंदर जो है थोड़ा सा क्रोम जग रहा है. क्रोम मतलब इफ यार जितने लोग राइडर लोग हैं या बुलेट जानते हैं तो इसका साइलेंसर जो होता है वो क्रोम प्लेटेड रहता है. तो प्लानिंग कि मैं इसको ब्लैक कोट कर दूँ, बट आई डोंट थिंक आई विल बी डूइंग दैट. चलो अंकल से ही बात कर लेते हैं. अंकल, इसमें जंग नहीं लगता है? इसमें जंग नहीं लगता है? जंग तो आप पार्किंग में रखते हैं क्या? नहीं, आपके आपका प्रॉपर पार्किंग है क्या? नहीं, आप बाहर में पार्क करते हो या शेड में? मतलब बाहर खुले आसमान में रखते हो? शेड में ना? हाँ, इसलिए नहीं हो रहा है. हमारा खुले में रहता है, पूरा जंग लग गया. तो जी हाँ, पार्किंग इज द रूल फॉर इट, यू नो गाइस. तब आपको पार्किंग खरीदना होगा, थोड़ा रईस बनना होगा आपको. सो एज आई कैन सी, यू नो, चश्मा काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हुआ है. एंड बाय द वे, नया चश्मा है इसलिए मुझे जो है एकदम सब कुछ चकाचक दिख रहा है, अद्भुत दिख रहा है. सो यो एंड यस, टुडे जानवी गॉट अ न्यू फोन एंड सो किसी का चेक था जो क्लियर हो गया. ओके, और उसका अकाउंट में बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं किया था और वो फिर डेबिट हो गया. और वो डेबिट होने के बाद जो है, हाँ पहले तो क्रेडिट हो गया, फिर जो है डेबिट हो गया. डेबिट होने के बाद मतलब सामने वाले का चेक बाउंस हुआ या जो भी इशू है, लेकिन हमारा 118 रुपया काटा गया. बहुत अफसोस हो रही है हमें इस बात के, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है. एंड बाय द वे, घर तो पहुंच गए हैं. इस बुलेट का 15 साल होने वाला है. अब ये जो है अभी हमारे पिताजी के नाम पे है, अब हम इसको अपने नाम पर कन्वर्ट कर सकते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड गाइस ऑफ होम टू वर्क स्टेशन टू होम. कल गाड़ी का सर्विसिंग भी कराना है. यो, लेट्स गो. ये बिल्ली मौसम.